ये देख सकते हैं प्राचीन किला, प्राचीन किला रतनपुर। गाइस अभी हैं हम भैरव बाबा मंदिर में और देख सकते हैं यहाँ का माहौल, और देख सकते हैं दक्षिण मुखी श्री हनुमान जी का मंदिर भी है और ये भैरव बाबा का दर्शन स्थल ही है जहाँ पर सभी लोग इकट्ठे हैं, या हमारे बंजारे भाई। ये महालक्ष्मी लखनी देवी आपका मनोकामना पूर्ण करें। और चलिए सीढ़ियों के द्वारा हम चलेंगे प्रथम सीढ़ी, और देख सकते हैं यहाँ पर करोड़ों सीढ़ी हैं, तो चलिए धीरे धीरे। बजरंगबली, ये देख सकते हैं प्राचीन किला, प्राचीन किला रतनपुर। आप देख सकते हैं इस किले को, देख सकते हैं किले का द्वार, क्या बताएं, ये किले का द्वार देख कर लगता है घर के याद आ गए। और ये यहाँ से क्या है यारे बाल घुस, ये भी गेट है क्या? हाँ, क्या बात है। तो देख सकते हैं यहाँ पर दो गेट है और बहुत ही अच्छा है। फिर यहाँ से घुसते हैं और यहाँ पर लगता है कोई कुछ मूर्ति जैसा यहाँ पर दिख रहा है, जिसका नाक मुंडी आपको देखने को मिल रहा होगा। देख सकते हैं टूटा फूटा आकार है। और उसके बाद यहाँ भी आनंद ले रहे हमारे भाई, किला तो बहुत अच्छा लग रहा है, ऊपर सीढ़ी जाने का रास्ता है। और ये देख सकते हैं यहाँ पर झंडा भी है, यहाँ से भी प्रवेश द्वार है क्या? बढ़िया है। इधर एक सीढ़ी है, सीढ़ी से ऊपर चढ़ते हैं, और ये सीढ़ी से ऊपर चढ़ते डायरेक्ट घुस जाता हूँ आना। तो ये मैं सीढ़ी से ऊपर जा रहा हूँ और यहाँ पर भी अच्छा माहौल है, देख सकते हैं फूल तथा पत्ती तोड़ना मना है, और ये हरा भरे हरियाली। और ये देख सकते हैं किला बहुत अच्छा लग रहा है गाइस, यहाँ पर कुछ मंदिर जैसा बहुत ही ब्यूटीफुल। और ये देख सकते हैं जेल वाला छोटा सा दरवाज़ा, यार किला तो बहुत अच्छा लग रहा है यार। और उधर भी है बहुत कुछ यार, चलिए तो इधर से चलते हैं। आइए, वो किला तो बस वो मुख्य द्वार था, ठीक है, वो देख सकते हैं यहाँ पर मुख्य द्वार, ये वाला चलते हैं रास्ता में। यहाँ से थोड़ा चलते हैं हरियाली का आनंद लेते हुए, और यहाँ पर हरियाली का आनंद लेते हुए हम पहुँच चुके हैं एक, ये क्या कुआं है का यहाँ? अब यहाँ ऊपर चढ़ के देखते हैं क्या हो सकता है, कुंड जैसा दिख रहा है। और यहाँ से हमारे भाई हाई जंप करते हुए, मैं भी यहाँ पर थोड़ा सा शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऊपर चढ़ गया। और ये देख सकते हैं यहाँ पर गड्ढा है, ये स्विमिंग पूल है गाइस, तो यहाँ पर नहाने का व्यवस्था कर सकते हैं अगर इसमें पानी भरेंगे तो, ठीक है, क्या बताएं, मस्त अच्छा लग रहा है। ये देख सकते हैं गाइस, और इसके अलावा यहाँ पर है एक मंदिर, महाप्रभु श्री जगन्नाथ मंदिर रतनपुर। और फिर हम चलते हैं आगे, ये पहुँच चुके हैं हम एक कुटिया जैसे जगह में, और ये देख सकते हैं जहाँ पर टूटा फूटा आपको मकान देखने को मिल रहा होगा। और ये आ गए हम मकान के पास, ये देख सकते हैं बहुत ही पुराना यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। और गार्डन तो बहुत ही सुंदर है, हरा भरा, और ये देख सकते हैं पूरा गार्डन ही गार्डन है। और यहाँ से भी एक छोटा सा रास्ता गया है, ये वाला, यहाँ से हम फिर प्रवेश करते हैं और पीछे का आपको टूटा फूटा मकान दिखाते हैं। और ये देख सकते हैं ये माहौल, तो गाइस ये देखने में बहुत ही सुंदर है, मनमोहक है। और ये देख सकते हैं एक और मूर्ति यहाँ पर, मतलब मूर्ति नहीं बोल सकता हूँ इसको, एक बैठने किला फ़ोटो खिंचाने के लिए अच्छा है। ये देख सकते हैं टूटा फूटा द्वार, और ये देख सकते हैं एक छोटा सा घर, और यहाँ पर भी एक तालाब जैसा कुछ दिख रहा है। ये देख सकते हैं यहाँ पर ये नहाने के लिए लगता है बाथरूम, ठीक। और यहाँ भी पूरा चारों तरफ घूम लेते हैं, क्या बना दिए हैं यार, मतलब ऐसा छोड़ा कुंड कुंड टाइप के बना दिए हैं। ये देख सकते हैं पूरा यहाँ पर आनंद ले रहे हैं प्रकृति का, प्रकृति का सभी आनंद ले रहे हैं, मैं भी इधर अकेले आनंद ले रहा हूँ। और यहाँ पर पूरा भ्रमण कर दिया गाइस, ये देख सकते हैं यहाँ का माहौल भी कुछ इस प्रकार से, ये देखिए। तो यहाँ पर अधिकांशतः तालाब जैसा देखा जा रहा है, और उधर मंदिर है, और यहाँ पर मैं पहुँच चुका हूँ फिर से वो कुंड जैसे, देख सकते हैं बहुत ही अच्छा जगह है किला, बहुत ही प्राचीन, जिसका आनंद लेने के लिए मैं पहुँच चुका हूँ रतनपुर में। और ये
हाई जंप लॉन्ग जंप करते हुए, और ये पहुंच चुके हम फिर से एक कुंड के पास जो अभी पूरा तरीके से सूख चुका है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। और चलिए अपने भाई लोग को देखते हैं कहाँ घूम रहे हैं, ये देख सकते हैं वीडियो बनाते हुए आ रहे हैं भाई। बहुत अच्छा लगा यार यहाँ पर घूमकर।